अब देखिए, अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है वो जब हम रे को ऑब्लिकली किसी दूसरे मीडियम में डालते हैं तभी क्यों शो होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम नॉर्मल के लोग हम इंसिडेंट रे को डालें किसी दूसरे मीडियम में तो क्या वहाँ पर रिफ्लेक्शन शो होगा? चलिए देखते हैं, शो नहीं होगा, बताता हूँ कैसे नहीं होगा। देखिए, अगर आप किसी इंसिडेंट रे को क्या करते हैं, ऐसे सीधा डालते हैं, सीधा मतलब क्या नॉर्मल के लोग डाल रहे हैं, अगर आप किसी इंसिडेंट रे को सपोज करिए क्या कर रहे हैं ऑब्लिकली डाल रहे हैं, तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे एंगल जीरो तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप क्या करें इंसिडेंट रे को इस नॉर्मल के अलॉन्ग ही डाल दें, यानी ये नॉर्मल है हमारा, इसी के अलॉन्ग डाल दें इंसिडेंट रे को, तो क्या होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा हमारा, जीरो डिग्री हो जाएगा, क्या जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, क्या कहता है, एन टू बाई एन वन कहता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन आई इंटू एन वन इज इक्वल टू साइन आर इंटू एन टू, ठीक है। अब यहाँ से साइन आर फाइंड करिए, साइन आई इंटू एन वन और एन टू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन आर मिल जाएगा। अब देखिए साइन आई यानी इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री है, कितनी है, जीरो डिग्री। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो इंटू एन वन करिए और अपॉन में एन टू करिए, ये पूरा टर्म आपका, इसको इंटू करेंगे जीरो, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हैं तो क्या जीरो ही आता है। तो साइन आर आपको कितना मिला, जीरो, कितना मिला साइन आर, कितना मिला, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो की वैल्यू कितना है, अगर साइन जीरो है तो यानी उसके एंगल की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री है, तो आपको क्या मिला, साइन आर इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंस एंगल जीरो था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, जीरो है, दोनों की एंगल क्या है, इक्वल है, यानी यहाँ पे लाइट रे जैसे आई थी यहाँ पे भी ऐसे ही चली जा रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग चली जा रही है। अगर इन दोनों एंगल के बीच में वेरिएशन रहता, ठीक है, यानी दोनों एंगल अलग अलग होते तो क्या होता, ये इंसिडेंट रे ऐसे नहीं जाता, कुछ अलग पाथ को चूज करता, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसी पाथ के अलॉन्ग चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे जिस पाथ के अलॉन्ग आया था उसी पाथ के अलॉन्ग चला गया, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। और रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता है जब कोई इंसिडेंट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो अपने पाथ को चेंज करता है, उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे तो वो फिनोमेना हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पाथ को चेंज कर ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि आई और आर दोनों क्या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं।